अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम नईम वज़ीर, लिरिसिस्ट, स्टोरी राइटर एंड कंपोज़र। आज हम यहाँ हैं जी एक फिल्म थोड़ी लाइफ थोड़ी ज़िंदगी के लिए। इस फिल्म के गीत मैंने लिखे हैं और एज़ म्यूज़िक कंपोज़र मैं इसमें काम कर रहा हूँ जी। और मैंने इसमें कोशिश की है जी कि मेरे जितने भी गाने हैं तमाम नए लोगों ने गाए हैं और इन नए लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हौसला दिया है और आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दीज फ्रेश वॉइसेस। और इन वॉइसेस में एक जो बड़ी खूबसूरत आवाज़ का इजाफा आज हमने किया है, दिस इज़ द लास्ट सॉन्ग ऑफ माय फिल्म जी, जिसको हमने आज, चूँकि फिल्म पूरी बन चुकी है, एडिट हो चुकी है और अभी कलर ग्रेडिंग पे है, तो ये एक सॉन्ग हमने फाइनली डिसाइड हुआ। डायरेक्टर साहब ने कहा कि जी एक और सॉन्ग इसमें करना है, तो एक सॉन्ग के लिए हमने कराची से स्पेशल बुलाया जी एक नए हमारे फनकार हैं कदीर खान साहब। तो कदीर साहब के लिए हमने ये गाना बनाया और हमें बड़ी खुशी है कि वी हैव सेलेक्टेड राइट पर्सन फॉर द राइट सॉन्ग जी। कदीर साहब ने बहुत अच्छा गाया और बहुत ही मेहनत से गाया और ये बड़े मेहनती और बड़े अच्छी आवाज़ हैं। एंड आई स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट द कदीर खान वुड बी अ ग्रेट 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 सिंगर इन फ्यूचर और ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नाम इंशाल्लाह साबित होगा। आज इन्होंने जो हमारे साथ काम किया है, हमारी तो इनके बारे में जो राय है जी, मैं क्लियरली आई एम वेरी ओपन टू से दीज वर्ड्स फॉर हिम के ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर और इंशाल्लाह आने वाले दौर में ये अपना नाम बनाएंगे और मेरी दुआएं इनके साथ हैं। थोड़ी लाइफ थोड़ी ज़िंदगी का आज इन्होंने गीत गाया है जी, जब से तुम मिले। आप ज़रूर सुनिएगा, फिल्म आएगी तो इंशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू।